क्या आप कुछ इशारा कर सकते हैं राजीव रंजन, कौन कौन सी पार्टियां हैं ये जो नीतीश जी कह रहे हैं और तेजस्वी भी कह रहे हैं? और दूसरा, नीतीश कुमार संयोजक बनने की रेस से बाहर क्यों हो गए? उन्होंने कब संयोजक बनने के लिए हां कहा था? उन्होंने शुरू से कहा कि मैं विपक्षी एकता की कोशिश कर रहा हूं, सारे दल एक साथ आ सके। और जब प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा का सवाल आया, उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो उम्मीदवार नहीं है। पार्टी ने आधिकारिक प्रस्ताव भी पारित किया। जहां तक कन्वेनर होने का सवाल है, उन्होंने अपनी जो भी बात कही अब वो पब्लिक डोमेन में है। बड़ा सवाल क्या है? जनता दल यूनाइटेड, मैंने कई अवसरों पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं के लिए दुखती रग के समान है। उन्हें पता है नीतीश कुमार जी के एनडीए में नहीं होने की वजह से और नीतीश कुमार जी की कोशिशों के बाद आज देश में जो वातावरण बना है उसका संकेत अब तमाम सर्वेस देने लगे हैं कि वोटों का प्रतिशत हो या जो आने वाले चुनाव के आसार हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब दोनों गठबंधनों के बीच का कोई फासला तब नहीं दिख रहा है जब अभी सीट शेयरिंग की स्थिति तय नहीं हुई है, कन्वेनर्स या कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, अभी आधिकारिक तौर पर अभी रोडमैप नहीं जारी हुआ है, तब ये हालात हैं। मैं समझता हूं मुंबई के बाद सीधे तौर पर विवश होकर के सर्वेस भी ये कहने लगेंगे कि अब मोदी जी की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। अब जनता दल यूनाइटेड का उन्होंने जिक्र किया और तुलना किया, जिस समय में चर्चा हो रही थी ब्रिजमोहन जी की, तो उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि ये वो वाले नए हैं जो खुद को पुराना साबित करने के चक्कर में इतना प्यास खाते हैं। मैं कोई इस पर न विस्तार में जाना चाहता हूं, क्योंकि इनके जो इनकी पूर्व की जो निष्ठा रही है जिस दल की, उसको कहीं ना कहीं लोग भूल सके इसके लिए अपने पुराने साथियों के खिलाफ ये अनावश्यक विस्फोमन करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये पर कैपिटा इनकम पर बहस करना, राजीव जी, राजीव जी, एक सेकंड राजीव जी, मैं जानता हूं, नंबर एक, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, राजीव जी, पहला तो ये और दूसरा राजीव जी मान लीजिए, नहीं मैं पर्सनल नहीं, आपने ये बात इनको क्यों नहीं कहा जब इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का उपहास उड़ाया, तब तो आपने इनको मना नहीं किया। बातों ये फेयर के ऊपर प्रतिक्रिया, राजीव जी, राजीव जी, एक सेकंड, राजीव जी, जब हम ब्रिजमोहन जी की बात कर रहे थे और मैं तू तू मैं नहीं जाऊंगा, राजीव जी, रुकिए ना, आपसे वैसे भी तू तू मैं कर रहे थे, मैं ललाहित नहीं हूं, रुकिए ना, आप ही अपने आप को इतनी गंभीरता इससे पहले की डिबेट करते हैं, सर प्लीज। राजीव जी, जब हम ब्रिजमोहन जी की बात कर रहे थे शुरू में, जब मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो हम लाइटर वेन में बात कर रहे थे, भाई हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा सा कभी कभी कर लेना चाहिए, और ब्रिजमोहन जी खुद मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए प्लीज उसको सीरियसली मत लीजिए। मैं सवाल आपसे राजीव जी ये पूछ रहा हूं, बात पर नहीं कहा, ओके राजीव जी सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे ढंग से। मैं कह रहा हूं कन्वीनर को लेकर मान लीजिए ना कि इंडिया गठबंधन में समस्या है या अलग अलग राय सबकी है। लालू जी कह रहे थे एक कन्वीनर नहीं होगा, चार चार कन्वीनर हो सकते हैं, चार राज्यों पे एक हो सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कभी कहा ही नहीं कि वो कन्वीनर बनना चाहते हैं। हम तो यह सुन रहे हैं जो सूत्रों से पता चल रहा है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि नीतीश जी कन्वीनर बने। मतलब मान लीजिए खींचतान है कोई एक चेहरा कन्वीनर के तौर पर या किसी भी तौर पर, इंडिया गठबंधन में फिलहाल सर्वमान्य नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मानक जी आपके कई सवाल हैं और मैं चाहूंगा अनइंटरप्टेड जितना आपने बाकी लोगों को वक्त दिया है उतना सुनिएगा। इंडिया भारत की भावी सरकार बनाने वाला गठबंधन है। गठबंधन को अपनी रणनीति का खुलासा करने का अभी मैं नहीं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता है कि कौन से दल उसके साथ आएंगे और 31 और 1 की बैठक के पहले कौन कन्वेनर होगा। इस पैनल में कोई व्यक्ति अपने दल की ओर से ऐसी घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। पहली बात, मैं इतना कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, ये पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स, तमाम दुनिया की तालिकाओं में भारत की हैसियत पहले 100 में नहीं है। अब पार्टी विद डिफरेंस जो हिंदुस्तान में अलादीन का चिराग लेकर के आए थे हमारे प्रधानमंत्री, देश से गरीबी को भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, देश में
भुखमरी को बांग्लादेश भेज देंगे। ओके राजीव जी, देश से तमाम समस्याओं को। अब इन मुद्दों पर थोड़ी देर में ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, उसके बाद स्टूडियो।